नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग एक तारीख की यानी हम 2021 की वार्षिक राशिफल आपको बताते हैं। तो एक तारीख के ग्रहों की स्थिति पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक तारीख के ग्रहों की स्थिति में सबसे अच्छी बात जो है वह है चंद्रमा का स्वगृही होना, मंगल का स्वगृही होना। सूर्य तो हर साल, चूंकि सूर्य की एक निश्चित चाल है, तो वो धनु राशि में ही पाए जाते हैं। बुध भी धनु राशि में है, एक पॉजिटिव स्थिति है। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन मकर राशि में ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन त्वरित लाभ देने वाले जो ग्रह हैं मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बुध, इनकी पोजीशन अच्छी है। शुक्र और केतु की पोजीशन वृश्चिक राशि में अच्छी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है थोड़े आप कंफ्यूज हो कि रिजल्ट क्या आएगा। आइए सीधे रिजल्ट पे आते हैं कि इन राशियों का, इन ग्रहों का डिफरेंट राशियों में गोचर आपके जीवन पे क्या प्रभाव देगा। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति उतार चढ़ाव के साथ रहेगा, लेकिन संप्रभुता वाले व्यक्ति रहेंगे आप। एक आपके अंदर साहस, कुछ कर गुजरने का पावर पूरे वर्ष रहेगा और इसका अनुकूल आपको रिजल्ट भी मिलेगा। व्यवसायिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम की स्थिति नरम गरम बना रहेगा। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये वर्ष अच्छा गुजरेगा। एक आप अपने लिए पूरे वर्ष या हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सूर्य को जल जरूर दिया करिए, और कोई भी लाल वस्तु अब आपके पास रहेगा ना, उसका लाभ आपको मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की स्थिति 2020 से बेटर होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य, प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर होगी, व्यवसायिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पिछले साल भी आपको बहुत खराबी वाली बात नहीं थी, लेकिन कुछ ड्यूटोरिएशन था। इस बार आप ड्यूटोरिएट न होकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी स्थिति है। आपको एक हमेशा से एक आदत बनानी चाहिए कि गणेश जी की वंदना जरूर करें आप, और कोई भी हरी वस्तु अपने पास जरूर रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति थोड़ी सी नरम गरम दिखाई पड़ रही है। थोड़ी शुभता में कमी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश आपके पारिवारिक जीवन के लिए सही नहीं है। और जब भी वार्षिक राशिफल की बात करेंगे तो बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पारिवारिक जीवन को बहुत हिसाब से लेकर के चले। स्वास्थ्य आपका ठीक चलेगा। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। इस वर्ष आपको पीली वस्तु का दान करते रहना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहना है, और आदत में क्या लानी है आपको, काली जी की सेवा, काली जी की वंदना, उन्हें प्रणाम करना, ये जारी रखें। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। नौ संबंध का आगमन, नौ प्रेम का आगमन, जीवन में कठिनाइयों के साथ लेकिन तरक्की, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई पड़ रहा। बस आपको उदर रोग और मूत्र रोग, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है। वाटर इंटेक आपको बढ़ा के रखना है। जल का नियमित और सही सेवन करें, सब कुछ आपका ठीक ठाक रहेगा। आपको एक आदत डालनी है कि बजरंग बली को प्रणाम जरूर करें, बजरंग बली से आप जुड़े। वर्ष अच्छा दिख रहा है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अच्छा कहा जाएगा, लेकिन आपको संतान पक्ष पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रेम की स्थिति में कुछ कड़वाहट ना आने पावे, इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। या आप किसी ऐसे व्यक्ति से
या कुछ नकारात्मक व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होकर के चले जाएं और वो आपके लिए नुकसान करें, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपका स्वास्थ्य और व्यापार सही चलता रहेगा, कोई जोखिम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको आदत डालनी है कि बृहस्पति मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः और कोई भी पीली वस्तु पास रखना आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि जीवन में बदलाव के तरफ जा रहा है। प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति का आचरण और व्यवहार में बदलाव का अनुभव करेंगे आप। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलेंगे, शारीरिक स्थिति भी आपकी ठीक चलेगी। आपको शनि देव से जुड़ना है, उन्हें प्रणाम करते रहना है, शनिमय बने रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तुला राशि के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी। आपको घरेलू चीजों को बहुत शांत होकर के निपटाना है, घर में तूतू मैमे से बचना चाहिए। आपके घर में थोड़ा हाइपर स्थिति रहेगी, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, निगेटिव तो बहुत निगेटिव, पॉजिटिव तो बहुत पॉजिटिव, इसमें सामंजस्य बिठा करके आपको चलना है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, बदलाव परिवर्तन समटाइम्स बहुत लो समटाइम्स बहुत हाई, ऐसा आप अनुभव करेंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप सही चलेंगे, शनिदेव को प्रणाम करते रहें, सब कुछ उन्हीं से मिलेगा। और आदत डालिए शनिदेव का दर्शन करना, उन्हें प्रणाम करना, अपने दिनचर्या में उनको शामिल करिए। वृश्चिक राशि की स्थिति पराक्रमी बने रहेंगे और पराक्रम आपको लाभ भी दिलाएगा। स्वास्थ्य नरम गरम है, प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। संतान पक्ष पे ध्यान देने की आवश्यकता है, चोट चपेट ना लगे। आपकी स्थिति नरम गरम वाली है, मध्यम वर्ष दिख रहा है। कोई भी पीली वस्तु पास रखें और भगवान विष्णु को प्रणाम करने की आदत डालें। धनुराशि की स्थिति ठीक कही जाएगी। वाणी प्रधान कार्य करने वालों के लिए ये उत्तम समय। लौह पदार्थ के जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय। लेकिन कहीं भी निवेश आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, कभी पैसे डूबने के भी संकेत हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, आर्थिक क्रिया पे ध्यान दें, संतान पक्ष अच्छा है, व्यवसाय भी सही है, कहीं डूबे ना, इस बात का ध्यान दीजिए। और कुटुंबों से मत उलझिए, रिश्तों में थोड़ी खटास आने के संकेत दिख रहे हैं। नीली वस्तु का दान करें और कोई भी पीली वस्तु अपने पास रखें, आदत डालिए। मकर राशि, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह वाले विशेष ध्यान दें, वजन आपका बढ़ सकता है। प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी है, व्यवसायिक स्तर भी आपका सही चलेगा, पहले से बेहतर होगा। शारीरिक स्थिति मध्यम दिख रहा है। आपको आदत डालनी है, काली जी का दर्शन करना है, हमेशा एक आदत में डाल लीजिए और कोई भी सफेद वस्तु अपने पास रखा करें। कुंभ राशि, खर्चों से परेशान रहेंगे। यद्यपि के शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन खर्च इतना होगा कि कर्ज की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, प्रेम और व्यापार चलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। जो मैं खर्चे की बात कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट होगा और सही इन्वेस्टमेंट होगा। कोई भी पीली वस्तु का दान करें और गणेश जी का वंदना करें, गणेशमय हो जाए आप, अच्छा होगा। मीन राशि, दोहरे रास्तों से पैसे आएंगे, आर्थिक क्रिया आपकी अच्छी चलेगी, पैसे रुपए से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेम और व्यापार आपका चलता रहेगा, निरंतरता में रहेगा, शिवमय हो जाइए। शिव जी को जल देना, उन्हें से उन एक आदत डाल लीजिए शिवमय होने का, शिव जी का दर्शन करने का, अच्छा होगा।
आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आप सबके साथ बहुत अच्छा करे, आप बहुत तरक्की करें, निरोग रहें, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रेम में जीवन आपका गुजरे। नमस्कार।